हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको LIC जीवन शांति प्लान के बारे में बेसिक जानकारी देने वाला हूं। यह एक पेंशन प्लान है और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लान हो सकता है। इस वीडियो में मैं LIC जीवन शांति प्लान के 12 मुख्य बातों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। LIC जीवन शांति प्लान एक एन्युटी प्लान है, या इसको सिंपल वे में कहें तो यह एक पेंशन प्लान है। मतलब कि इसमें चूज किए हुए ऑप्शन के हिसाब से पेंशन मिलते रहेगा। यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, मतलब जिस समय आप पॉलिसी ले रहे हैं उसी समय आपको पूरा पैसा जमा करना है, और जितना भी पैसा जमा होगा उसके हिसाब से ही पेंशन मिलेगा। तो अगर पेंशन राशि आगे चल के बढ़ानी है तो उसके लिए फिर से एक और नया प्लान लेना पड़ेगा। नॉन लिंक्ड प्लान, हम देखते हैं कि कई सारे प्लान होते हैं वो मार्केट लिंक्ड होते हैं, तो मार्केट का जो बिहेवियर होता है उसके हिसाब से रिटर्न निर्धारित होता है, लेकिन यह प्लान नॉन लिंक्ड प्लान है, तो इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तात्कालिक पेंशन और स्थगित पेंशन, तो इसमें दो ऑप्शन है कि एक बार सिंगल प्रीमियम पे करने के बाद में तात्कालिक पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर अभी पेंशन की जरूरत नहीं है तो इसको स्थगित भी कर सकते हैं आगे के लिए, 1 साल से लेकर 20 साल तक स्थगित किया जा सकता है। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें शुरू से ही वार्षिक दरें की गारंटी हो जाती है। मतलब जैसे कि इसमें मिनिमम प्रीमियम 1.5 लाख रुपए का है, तो एक बार 1.5 लाख रुपए जमा कर देने के बाद में तो जो पेंशन मिलना है और जब तक मिलेगा तब तक के लिए वो फिक्स पेंशन की गारंटी हो जाती है। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव के हिसाब से इसमें जो पेंशन मिलेगा उसमें चेंज होते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पॉलिसी की एक खास बात ये भी है कि इसको सिंगल या फिर जॉइंट लाइफ, और जॉइंट लाइफ में कई सारे लोगों को, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट को, बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, स्पाउस को, भाई बहनों को, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे परिवार के सदस्यों के साथ में इस प्लान को लिया जा सकता है। पेंशन के लिए 9 अलग अलग विकल्प, पेंशन के लिए इसमें 9 अलग अलग विकल्प अवेलेबल हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से इन 9 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज किया जा सकता है। लोन लेने की सुविधा, तो इस प्लान में 1 साल बाद लोन लिया जा सकता है, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर एक मुश्त पैसा जमा कर दिया जा रहा है उसके बाद 1 साल तक का ही वेट करना है, उसके बाद अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो इस पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं। फिर बात आती है कि टैक्स में छूट है कि नहीं, तो इसमें प्रीमियम पेमेंट पर टैक्स में छूट भी मिलेगी, सेक्शन 80CCC के अंतर्गत टैक्स में छूट मिल जाएगी। अब पेंशन कैसे मिलेगा, तो कई ऐसे प्लान होते हैं जिसमें पेंशन या तो 6 माही या वार्षिक मिलता है, बट इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें पेंशन महीना, मतलब हर महीना लिया जा सकता है, हर तिमाही लिया जा सकता है, हर 6 माही लिया जा सकता है, या फिर अगर वार्षिक चाहिए तो वार्षिक भी चूज किया जा सकता है। अब क्या इस पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है, तो हाँ, तो इस पॉलिसी को सरेंडर करना भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए 3 महीना वेट करना होगा। तो जैसे ही 3 महीना कंप्लीट होगा उसके बाद इस पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है, लेकिन उस समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो एनिटी ऑप्शन या पेंशन ऑप्शन का कौन सा विकल्प चुना हुआ है। तो अगर एनिटी ऑप्शन इज विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, अगर ये ऑप्शन चूज किया गया है तो सरेंडर अलाउड है। अब इसको खरीदा कैसे जा सकता है, तो बेस्ट पार्ट है कि इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों मोड से आसानी से खरीदा जा सकता है। तो इन सभी सुविधाओं को देख के, जिसमें इस पॉलिसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदा जा सकता है, पेंशन विकल्प में भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, टैक्स में छूट मिल रही है, परिवार के सदस्यों को भी जोड़ा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस समय पॉलिसी खरीद रहे हैं उसी समय से ही कितना पेंशन मिलेगा वो फिक्स हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए, या फिर जो रिटायर नहीं हुए हैं वो भी इसको खरीद सकते हैं, और उनके लिए ये ऑप्शन रहेगा कि वो इमिडिएट पेंशन ना चुन के वो इसको डिफर कर सकते हैं, वो इसको स्थगित कर सकते हैं, 10 साल 20 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं, और उसके बाद जब पेंशन चालू होगा उस समय काफ़ी अच्छा अमाउंट पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये तो दोस्तों थी बहुत ही सारांश में थोड़ी सी जानकारी जीवन शांति प्लान के बारे में। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में और विस्तार से बात करूँगा और आपको और अधिक जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं।
आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।